देश की मीडिया को महिलाओं के मुद्दे दिखाने चाहिए, युवाओं के मुद्दे दिखाने चाहिए, बेरोजगारी दिखानी चाहिए, काला धन जैसी चीजें दिखानी चाहिए, मगर क्या दिखा रही है हर जगह? मोदी 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 हो रहा है। ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, ये झूठ खत्म होगा नहीं। आखिर इन्होंने 10 सालों के अंदर किया क्या है? फिर आपने आप ओबीसी क्यों बोलते हो आप? क्यों आप आदिवासियों पे पेशाब करने का काम करते हो आप? बताइए, जो आप गरीबों पर पेशाब करने का काम करवाते हैं आप, आपके कार्यकर्ता, आप ही की सरकार में ऐसा हो रहा है। आज आदिवासियों पे कितना गलत काम कर रहे हैं आप, क्यों? ये आदिवासी कमजोर है, इसलिए जनता इनके सामने मरती मर रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनना है, महंगी गाड़ियों में चलना है और कोई मतलब नहीं है, और एसी के बंद कमरों में रहना है। हर जगह हिंदू मुस्लिम करते हैं आप, जातियों को बांटने का काम कौन करता है? आप करते हैं। 2024 में इंतजार करी सरकार को, इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से जो 5 राज्यों के चुनाव थे अब हो चुके हैं और रिजल्ट नजदीक है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वही एग्जिट पोल के मुताबिक जो नेशनल मीडिया कह रही है कि हर जगह जो भाजपा का जो है परचा लहराया हुआ है, भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश जी, तो इनसे हम असलियत जानेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नफरत हारेगी, देश जीतेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रीय मीडिया, जो इस देश का जो चौथा स्तंभ है, वो हर जगह झूठ 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 इस सरकार की तरह झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके अगर आंकड़े ना अगर झूठे हो जाए ना, तो आप मुझसे कहना। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मैं आपको बता दूं, और ये ऐसा एग्जिट पोल आएगा, ये जनता का एग्जिट पोल होगा। क्या, किसका होगा? जनता, जनता के द्वारा, जनता के दिया हुआ वोट होगा ये। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, और ये झूठ, ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, ये झूठ खत्म होगा नहीं। लेकिन भाजपा ने जो है जश्न की तैयारी कर ली और वो कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं 5 राज्यों में। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनके 5, ये जो भाजपा की कार्यालय में ये जो जश्न की जो तैयारी, अगर ये ना खत्म हो जाए ना, तो आप मुझसे बोल देना। जश्न की तैयारी तो आप देखिए कांग्रेस के कार्यालय में हो रही है, वहाँ हो रही है, देखना। और मैं आपको बता दूं कि जनता वोट क्यों देगी इनको? आखिर इन्होंने 10 सालों के अंदर किया क्या है? मैं आपको एक एक राज्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है राजस्थान के अंदर बीजेपी जीतेगी? बताइए, कोई कारण बताइए, क्या जीतेगी? उन्होंने जो मोदी जी हैं, उन्होंने जगह जगह राज्यों में जाके रैलियां की हैं, प्रचार करा है, ताकि जनता उनका साथ दे, समर्थन दे। मैं आपको बता दूं, क्या प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं ना, क्या पहली बात तो उनका ये कार्य था कि वो जगह जगह जाके रैलियां करे, प्रचार करे? किसके पैसे से प्रचार हो रहा है, कभी आपने समझने की कोशिश करी? ये जनता का पैसा लगाया जा रहा है, जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए था, जबकि जनता का पैसा खुद के लिए खर्च हो रहा है, समझिए। राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य बीमा देख रहे हो आप, योजना 25 लाख से 50 लाख कर दिया, 25 लाख से 50 लाख, 500 रुपए के सिलेंडर से 400 रुपए कर दिया, और बताओ क्या बताऊं? रोजगार कितना युवाओं को दे रहे हैं वहां पे, बहुत सारे कार्य हैं जिसके कारण वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। अशोक गहलोत जी वापस लौट के आ रहे हैं, इन्होंने बीजेपी ने चाहे कितना भी कुछ कराओ, चाहे ईडी भेजने का काम कराओ, चाहे सीबीआई कुछ भी करे, मगर अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो फिर नेशनल मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रही, क्या वो गलत आंकड़े दिखा रही है? इनका बस चले तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आज देश में होना क्या चाहिए था, आज देश की मीडिया को क्या दिखाना चाहिए था और क्या दिखा रही है। देश की मीडिया को महिलाओं के मुद्दे दिखाने चाहिए, युवाओं के मुद्दे दिखाने चाहिए, बेरोजगारी दिखानी चाहिए, काला धन जैसी चीज़ें दिखानी चाहिए, मगर क्या दिखा रही है आज? हर जगह मोदी 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 हो रहा है, बताइए। और अब तो उपराष्ट्रपति ने भी कह दिया है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और मोदी जी एक समान हैं। बताइए बताइए, मुझे तो दुख इस बात का है कि ये धनखड़ जी ने कहा है, बहुत बहुत दुख की बात है कि महात्मा गांधी की बराबरी आप मोदी जी से कर रहे हैं। जो व्यक्ति 90-90 लाख के सूट पहनते हों, 5-5 लाख के चश्मे लगाते हों,
ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए के पेन यूज करते हों, वो महात्मा गांधी जी की बराबरी करेंगे? आपको क्या लगता है? एक पतली सी धोती और एक लाठी लेके पूरा देश नाप दिया उन्होंने, अंग्रेजों को भगाने का काम किया उन्होंने, हैं? क्या आपको लगता है क्या नरेंद्र मोदी जी उनकी बराबरी करेंगे? तो बताइए, तो आप क्या चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो धोती लेके मतलब धोती पहन के निकले? अब मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने जो वो यात्रा करी थी और जो वो कपड़े जो पहने थे वो इस देश की जनता के लिए पहने थे, समझिए आप, और उस अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का काम किया था। और ये क्या कर रहे हैं, इस सरकारी खजाने जो कि कांग्रेस ने आज़ाद कराया था इस देश को, उसके सरकारी खजाने से अपने लिए करोड़ों के वस्त्र पहनते हैं, और जो वस्त्र पहनते हैं उसको दोबारा नहीं पहनते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, 20-20 हज़ार रुपये के महलों में रहते हैं, 12-12 हज़ार करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं। सोचिए, वो महात्मा गांधी जी के बराबरी करेंगे? बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, सबसे बड़ी बात बोलूँगा, महात्मा गांधी जी अपनी वाइफ को साथ में रखते थे उस यात्रा में भी, समझिए, और ये क्या करते हैं, कितने साल पहले जसोदा बहन को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने, पता है आपको? सोचिए उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी, तो बताइए आप। और महात्मा गांधी जी के हर दुख में सुख में वो साथ में थी उनकी मिसेज, पता है ना आपको? और इन्होंने क्या करा, अपनी मिसेज को छोड़ दिया, तो आपको लगता है ये कंपैरिजन है? कहाँ से कंपैरिजन है? अरे ये समझिए कि धरती और आसमान वाली बात है ये। उनके अगर ये आदर्शों पे भी काम कर लेना नरेंद्र मोदी जी, तो अभी देश बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बता दूं मैं आपको। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि मैं सिर्फ चार जातियों को मानता हूं, महिला, गरीब, युवा और किसान। तो फिर अपने आप को ओबीसी क्यों बोलते हो आप, बताइए आप, अपना ओबीसी क्यों बोलते हो, क्यों एससीओ की बात नहीं करते आप, बताइए आप, क्यों आप आदिवासियों पे पेशाब करने का काम करते हो आप, बताइए। पहले मध्य प्रदेश की घटना थी और अब उत्तर प्रदेश की घटना हो गई, वहाँ आपकी सरकारें हैं जो आप गरीबों पर पेशाब करने का काम करवाते हैं, आप, आपके कार्यकर्ता, बताइए आप। तो वो मोदी जी ने थोड़ी ना कराया था, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार किसकी है, आपकी सरकार है, क्या कार्रवाई करी, आप ही की सरकार में ऐसा हो रहा है, बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये जाति जनगणना होगी तो उससे पता चला जाएगा कि देश में क्या करना है, क्या किसकी जनता भारी। तो आर्थिक तौर पे कराए ना जनगणना, जाति जनगणना क्यों करानी है? आप अभी इन्होंने एक मुद्दा उठाया था ओबीसी वाला, पता होगा आपको क्या निकला उससे, क्या क्या कहा कि ओबीसी पे ये हुआ, ओबीसी पे वो हुआ, आज आदिवासियों पे कितना गलत काम कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आदिवासी कमजोर है इसलिए, क्या शेड्यूल कास्ट कमजोर है इसलिए, और आप उनका फायदा उठाते हैं, हैं? आप बताइए, हर जगह हिंदू मुस्लिम करते हैं आप, बताइए आप, जातियों को बांटने का काम कौन करता है, आप करते हैं आप, हैं? इसीलिए जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, इस देश में हिस्सेदारी होगी, हर जगह होगी, राजनीति में भी वो आदमी ऊपर आएगा और हर जगह उसकी हिस्सेदारी होगी, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए, और कांग्रेस कराती हुई आई है। आज से पहले इन्होंने तो नहीं करा, 10 सालों से कहाँ करा, बताइए आप। 10 साल पहले 2004 में कांग्रेस पार्टी ने कराया था, उसके बाद 2009 में कराया था, 2014 में जब इनकी सरकार, तो इनको कराना चाहिए था मगर इन्होंने नहीं कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब इन्होंने जो जनता के साथ जो वादे किए थे उन वादों पे खरी नहीं उतरी, इसलिए जनता ने दरकिनार करने का कार्य कर दिया, और जनता इंतजार कर रही है। मैं आपको बता दूं, इन 5 राज्यों के बाद 2024 में इंतजार करी सरकार को, इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो 5 राज्यों के चुनाव है ये सेमीफाइनल है, और जो 2024 का चुनाव आएगा वो फाइनल माना जाए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जनता इनको वोट क्यों, कांग्रेस को क्यों वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देगी, मैं बताता हूँ उसका।
इन्होंने कहा था लाल आंख दिखाएंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, हैं? चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात करी थी। अब मैं चीन वाली बात करूंगा, चीन अंदर घुसाया है, समझ रहे हो मेरी बात, डर गए। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उसके बाद कोविड जैसी महामारी आई, 5 लाख के 5, इन्होंने कहा 5 लाख लोग मरे, 50 लाख से लोग ज़्यादा मरे, WHO की रिपोर्ट थी, किस लिए मरे, ऑक्सीजन के बिना। नोटबंदी से क्या मिला, जनता सड़क पर आई, मिला क्या, कुछ नहीं मिला। नोटबंदी करके 500 का और 2000 का नोट चलाया, 7 साल बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिया, क्या मिला, हर जगह जनता का पैसे को ठगने का काम किया, हर जगह किया। अब आप मुझे बताइए कि 500 रुपये का सिलेंडर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दे रही है कांग्रेस पार्टी, ये कहते हैं हम 400 का देंगे, ठीक है आप दो, मगर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे आप, मध्य प्रदेश में इससे पहले क्यों नहीं दे रहे आप, हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे आप, मणिपुर में क्यों नहीं दे रहे आप, बताइए। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने, नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, माफ़ कीजिए कितने आज ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी जनता मर रही है, जनता इनके सामने मरती मर रही है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनना है, महंगी गाड़ियों में चलना है और कोई मतलब नहीं है, और एसी के बंद कमरों में रहना है। गरीब के घर में पहले 3 वक्त की रोटी बनती थी कांग्रेस के कार्य के समय, आज गरीब के घर में 1 वक्त की रोटी बन रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अमीर गरीब का फासला क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि ये पूंजीपति की सरकार है, उनके ऋण माफ़ कर देती है, गरीब के ऋण माफ़ क्यों नहीं हो रहे, किसान सड़क पर आ जाते हैं अपने अपने वो 3 काले कानून को वापस लेने के लिए, आज जवान क्यों परेशान है, अग्निवीर योजना लेकर आ रहे हैं कितने, आज जंतर मंतर में बताइए ये युवा क्यों परेशान है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं कर रहे, ये कौन कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी दे रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी दे रही है। और मैं बता दूं आपको, इस युवाओं की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, और ये जो पेंडिंग जो भर्तियां हैं, मैं आज आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार बन रही है ना जहां जहां, ये जितनी भी पेंडिंग भर्ती है सबको पूरी पूरी करने का काम कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके बस की नहीं है। और महात्मा गांधी और मोदी की बराबरी मत करो आप मोदी जी की बराबरी तो ज़िंदगी में मत करो आप, आज एक आम इंसान भी नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का काम कर रहा है, क्यों क्यों बताइए क्यों, क्योंकि उसको ठगने का काम किया इन्होंने, इसलिए आज जनता इससे इनसे ना खुश है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जनता इनसे ना खुश है, जिस तरीके से इन्होंने झूठे वादे करके लोगों को फंसाया और वोट लिए हैं, उसके बाद लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो थोड़ा डर गई है, क्योंकि कुछ जो आंकड़े आने वाले हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाजपा जीत रही है, लेकिन हमने इनसे बातचीत कर ये बता रहे हैं कि जो भाजपा उसका झूठे वादे कर रही है, जनता क्यों वोट देगी इनको, इसकी सरकार बनेगी इंडिया या फिर NDA। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे।